सर जय भीम, जय मूलनिवासी। ऐसा है कि अभी हमारे दोनों महानुभाव पार्टिसिपेंट ने बताया, डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेशन बहुत ही आवश्यक है, और जैसा कि रिप्रेजेंटेशन है औद्योगिक क्षेत्र में हमारे मूल निवासी भाइयों का, वैसा नहीं है। बहुत स्थिति खराब है। अगर पूरे भारत के संदर्भ में देखा जाए तो हमारे SC ST OBC एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग इस उद्योग क्षेत्र में बहुत ही कम है। उद्योग में भी नहीं है, इंडस्ट्रियल उद्योग में भी नहीं है, और बिजनेस में भी नहीं है। मैं बैंक से जुड़ा हुआ हूं और पूरे भारतवर्ष में घूमता भी हूं, परंतु हमारी जो भागीदारी होनी चाहिए मूल निवासियों की, वह भागीदारी औद्योगिक क्षेत्र में और व्यापार क्षेत्र में नहीं है। इसके लिए जो बढ़ना चाहिए हमारा जो संख्या, जो संख्या बल होनी चाहिए बिजनेसमैन का और औद्योगिक क्षेत्र में, हम समझते हैं कि जो संगठन काम कर रही है और इसको बहुत ज्यादा जागरूकता लाने के लिए संगठन की ओर से भी एक पहल होनी चाहिए। पहल ऐसा होना चाहिए कि अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो ये चर्चा आम पब्लिक में जाए, तो छोटे छोटे उद्योग गांव लेवल पर, जो विलेज लेवल पर, हमारे मूल निवासी गांव में बसते हैं और भारत गांवों का देश है, लेकिन गांव में जाने के बाद पता चलता है कि हमारा जो मूल निवासी है सिर्फ कामगार है लेकिन बिजनेसमैन नहीं है। अगर सब्जी भी बेच रहा है तो उसमें जो भागीदारी होती है वो उच्च वर्ण के लोग ही होते हैं, जो कंट्रोलिंग पावर है उन्हीं का है। तो उद्योग पर कंट्रोल करना और व्यवसाय पे कंट्रोल करना हमारा तभी होगा जब हमारा भागीदारी बढ़ेगा। एजुकेशन आप देख लीजिए, प्राइवेट सेक्टर में जो भी एजुकेशन है, जितने भी पब्लिक स्कूल है, वो सारे के सारे उच्च वर्ग के लोग ही उस पे काबिज हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है और उनके पास पहुंच भी है, पूरा मिनिस्ट्री उनके हाथ में है। इस वजह से वे अगर जी शिक्षा में बढ़ते हैं जी या हेल्थ सेक्टर में बढ़ते हैं, अगर प्राइवेट नर्सिंग भी खोलना है तो उसके लिए जो जुगाड़ चाहिए उनके पास इजली हो जाता है, लेकिन हमारे बिल्कुल जो मूल निवासी भाई हैं उनके पास जुगाड़ नहीं है। उनके पास अकल है, एजुकेशन भी है, डॉक्टर भी हमारे कम नहीं है, लेकिन जो डॉक्टर को एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए जो हेल्थ सेक्टर में चाहिए, नर्सिंग होम बनाने के लिए, वो जी उनके पास नहीं है। अगर जागृति बढ़ती है और उद्योग और व्यापार में हमारे मूल निवासी भाई अगर जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा उनका भागीदारी बढ़ता है, अगर वो कंट्रोल करते हैं अपने स्ट्रक्चर में, वो पहुंच जाते हैं, बिल्डिंग सेक्टर में पहुंचते हैं, IT सेक्टर में पहुंचते हैं, एजुकेशन सेक्टर में पहुंचते हैं, उसके बाद LIC सेक्टर में पहुंचते हैं, जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में पहुंचते हैं, इसके बाद गांव का जो व्यापार है जैसे कि डेयरी है, मिल्क उद्योग है, पशुपालन है, इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, बिल्डिंग एंड लैंड एंड बिल्डिंग है, अगर ये सारी सेक्टर में बढ़ते हैं, थोक व्यापार है जो हम परचून के दुकान पे या ये किराने की दुकान पे खरीदते हैं, तो ये सारी सेक्टर में अगर हमारा हमारा हिस्सेदारी बढ़ता है, हमारे लोग उसमें भागीदारी बढ़ाते हैं और ज्यादा से ज्यादा बिजनेसमैन और उद्योग को अगर कवर कर लेते हैं, तो आने वाला दिन में जो शासन होगा, प्रशासन होगा, ये हमारे हाथ में रहे। इसलिए कि हमारे पास जो
इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए शासन चलाने के लिए, और जो कैप्चर पावर कैप्चर करने के लिए हमारे पास जो मंत्र चाहिए वो हमें आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास इकोनॉमी नहीं है, आर्थिक इकोनॉमी अगर हमारे पास आ जाता है ये सारी व्यवसाय के माध्यम से, तो हम लोगों को जागरूक करके वोट जो होती है, जो हम हमारे को दूसरे पार्टियों को दे देते हैं, और हमारे संबंधित जो मूल निवासी से संबंधित पार्टियां हैं, जो राजनीति है उसको वोटिंग नहीं करते हैं, इसके वजह से हमारा जो पावर स्ट्रक्चर में हमारा रोल नहीं जाता, हम डेमोक्रेसी में नहीं पहुंचते, हम पार्लियामेंट में नहीं पहुंचते, हम विधानसभा में नहीं पहुंचते। तो ये सारी जागरूकता बढ़ने के बाद पावर हमारे हाथ में आ जाएगा, और जो बाबा साहब का सपना था, जो ज्योतिबा फुले का सपना था, जो छत्रपति शाहू महाराज जी का सपना था, और जितने भी हमारे पूर्वज हैं, जो सपना था वो पूरा हो जाए। रियली ये मकवाना साहब ने बहुत अच्छी बात बताई, इन्होंने बहुत ही बढ़िया बात बताई, और गायकवाड़ साहब ने भी बहुत बढ़िया बात बताई। गायकवाड़ साहब ने जो बात बताई थी उस पर मैं आता हूँ। उन्होंने स्किल्ड का जो बात किया था, उन्होंने पहले उनको बात को मैं लेता हूँ, उन्होंने जो स्किल्ड के बात किया था, और उसके बाद इंटरप्रेन्योरशिप पार्टनरशिप और ये कंपनीज का LLB का प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड का जो उन्होंने बात की थी वो परफेक्ट है। उसके बाद हमारे लोग क्यों नहीं आते बिजनेस में और बैंक से क्यों नहीं जुड़ते, उन्होंने एक जो बात बताई है कि उनके पास जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, पेपर नहीं होता, ये सही बात है। प्रॉपर इसीलिए मैं बैंक में हूँ, एज ए सीनियर मैनेजर हूँ, और मैं जब देखता हूँ बैंक में तो हमारे लोग आते ही नहीं, मूलनिवासी तो आते ही नहीं, जब भी आते हैं तो अपर कास्ट के लोग ही हमारे पास आते हैं और बहुत बढ़िया से बात करते हैं और बैठते हैं, और उनको लगता है कि हमको यहाँ से कुछ लेना है तो उस तरह से वो हमारे पास अपनी बातों को रखते हैं। ये हुई, मैं मार्केट में ढूंढता हूँ कि कुछ ऐसे जो छुटे हुए लोग हैं जो आए और हमसे मदद लें, बैंक से मदद लें, लेकिन नहीं आते। मैं मोटिवेट भी करता हूँ बाहर में, बट आते नहीं। उनके पास कमी क्या होती है कि पैन कार्ड कभी प्रॉब्लम होता है, तो कभी आधार में नाम का प्रॉब्लम होता है, तो कभी उनके पास IT 3 years का IT बहुत जरूरी है बैंकों में, 3 साल का IT रिटर्न अगर नहीं है तो बैंक से वो लौट जाते। इसके बाद उनके पास अगर प्रोप्राइटरशिप में अगर करनी है कोई भी बिजनेस, तो उसके लिए एक ऑफिस होना जरूरी है, और ऑफिस को एग्रीमेंट बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्रीमेंट नहीं बनाएंगे उनके पास बिजली बिल नहीं रहेगा तो उनको अकाउंट खुलेगा ही नहीं। पहले करंट अकाउंट खोलने के लिए बहुत जरूरी है बेसिक चीज, तो उनके पास बेसिक चीज नहीं रहती है, पेपर नहीं रहते हैं, और उनका अकाउंट नहीं खुलता है, और अकाउंट से वापस बैंक से वापस चले जाते हैं, फिर निराश हो जाते हैं। तो उनको यहाँ पे एज ए संगठन, कोई भी संगठन, छोटे छोटे संगठन या कुछ ऐसा ग्रुप बना के उनको ट्रेन करने की बहुत जरूरी है, उनको एजुकेट करने की बहुत जरूरी, एजुकेशन की बहुत जरूरी है पहला। दूसरा, अभी जो साहब ने बताया मकरन साहब ने, तो इन्होंने जो अभी इन्वेस्टमेंट की बात की, मार्केट गैप की बात की, रियली में मार्केट गैप है, बहुत गैप है, और गैप ढूंढने की जरूरत है। जैसे कि हम अगर ये एजुकेशन सेक्टर में आते हैं, तो एजुकेशन सेक्टर में हम छोटा छोटा कोचिंग चला के उसके बाद स्कूल में परिवर्तन कर सकते हैं, जिस तरह से कोटा में होता है, दिल्ली में होता है, पटना में होता है, बड़े बड़े शहरों में होते हैं, तो हम छोटे छोटे जिलों में भी कर सकते हैं उसको, क्योंकि जिले के जो बच्चे हैं ना वो उनको एनवायरमेंट नहीं मिलती, मतलब स्कूलिंग एनवायरमेंट नहीं मिलती, कोचिंग एनवायरमेंट नहीं मिलता। तो हमारे जो पढ़े लिखे जो छात्र हैं, जो नौजवान हैं, जो MBA कर लिया, जो इंजीनियरिंग कर लिया, जो अच्छे कॉलेज से पढ़ के वो बैठे हुए हैं, तो उनको कन्वर्ट करने की जरूरत है इंटरप्रेन्योरशिप में, यानी वो अच्छा कोचिंग खोल सकते हैं,
अच्छा स्कूल, अभी जो नई शिक्षा नीति अभी आई है, इस नई शिक्षा नीति में स्कूल को किस तरह से रन करना है उसको भी एक ट्रेनिंग की जरूरत है। तो ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। और बैंक में अभी जो आपने बोला, प्रदीप जी ने बताया कि बैंक में भी क्या ये ट्रेनिंग देने की ये डिपार्टमेंट है क्या? बैंक जो भी बैंक है, कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इसके बाद इंडियन बैंक है, अभी तो मात्र SBI है, तो ये जितने भी बैंक है उनका अपना एक ट्रेनिंग सेंटर होता है जहां वो लीड बैंक होते हैं। तो लीड बैंक के जी माध्यम से ये छोटे छोटे जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसके लिए वो ट्रेनिंग देते हैं, जैसे बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, पशुपालन में गाय का, भैंस का, इसके बाद में जी मछली पालन है, एग्रीकल्चर में आ जाए तो मशरूम है जो कैश क्रॉप में आते हैं, तो ये उसके बाद सिलाई का है, इसके बाद छोटे छोटे उद्योग है, अगरबत्ती बनाने का, मोमबत्ती बनाने का, ये गांव लेवल का जी उद्योग है। पर इस गांव लेवल के उद्योग में अगर वो प्रशिक्षण ले लेते हैं, उसके बाद उनको एक सर्टिफिकेट मिलती है, और उस सर्टिफिकेट फिर ये तो बिल्कुल बैंक से हुआ, दूसरा गवर्नमेंट से होती है, जो गवर्नमेंट उद्योग विभाग जो है कि एक ट्रेनिंग देती है, और उस ट्रेनिंग जी से सर, सर्टिफिकेट मिलता है। एक सेकंड बिल्कुल सर, इसके बाद जी वो PMRY लोन लेने के लिए या जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना है उसके तहत वो सर्टिफिकेट काम आता है, और उसके तहत जो जिला उद्योग है वहां जाकर वे अपनी सर्टिफिकेट को दिखाकर, और उद्योग 10 लाख तक कम से कम उनको बैंक लोन देगी, और 10 लाख जी अगर लोन बिल्कुल देती है तो उसमें किसी भी तरह का सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। यस, स्टार्टअप तो देखिए स्कीम तो हमेशा निकलते रहती है गवर्नमेंट की ओर से, लेकिन उस स्कीम को कितना हम इनकैश करते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे लोग का जो मनोबल है ना, जो मनोबल है उसको, मनोबल को ऊंचा बढ़ाना होगा, और अगर मनोबल ऊंचा नहीं रखेंगे, जिस तरह से हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति अबुल कलाम साहब ने बोला कि दिन में सपने देखा करो, रात में सपने ना देखो, तो हमारे लोगों को जो सपने हैं वो आते हैं जरूर, लेकिन फिर तुरंत लुप्त हो जाते हैं। तो उनको मनोबल बढ़ा के और अपने नौजवान को उस क्षेत्र में बढ़ना चाहिए, और जैसे बिल्डिंग, जैसे कि ठीक है अगरबत्ती छोटा सा व्यापार लगता है, मोमबत्ती बनाने का छोटा सा, आप बढ़ सकते हैं, कैटरिंग की ओर बढ़िए, हमारे ही लोग कैटरिंग का काम करते हैं, लेकिन उसका मालिक कौन है? उसका जी मालिक कोई पैसे वाला है या फिर अपर कास्ट है? तो बिल्कुल जब पैसे वाला है और जब जो वो हमारे मूल निवासी से वो बिलोंग नहीं करता, उसको डील कौन करता? वही करता है, खाना हमारे बिल्कुल लोग बिल्कुल बनाते हैं, कटरिंग हमारे जी लोग राम सर करते हैं, लेकिन उद्योग उनके पास नहीं, उद्योग किसी और के पास है। तो ये स्किल डेवलप करने की जरूरत है और अपने ऊपर बिल्कुल विश्वास सर करने की जरूरत है, मनोबल बढ़ाने की जरूरत है। ऐसा है कि प्रदीप जी, हमारा समाज बहुत ही वर्षों से पिटता आया है, और इस समाज में इकोनॉमिक बेस नहीं है, तो हम कॉपरेटिव सोसाइटी बनाकर इकोनॉमिक बेस को अच्छा कर सकते, और वही कॉपरेटिव सोसाइटी बनाने का काम बापशेप ने किया था, परंतु अभी वो सफल नहीं हो पाया, यानी अभी हम लोग उसको अभी मेन लाइन में उतारा नहीं। तो ये बहुत जरूरी है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर और अपने समाज के महापुरुषों के नाम पे या मूल निवासी शब्द को के नाम पे हमारा स्टोर या हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी या हमारे जितने भी बिजनेस एंटरप्रियोर हैं उनको चलाना चाहिए। इससे क्या होगा कि भाईचारा बढ़ेगी, और जब हम कोई भी बिजनेस करेंगे या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अगर सेक्टर में जाते हैं, वहाँ स्कूल ये शिक्षा का क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ हेल्थ के क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ जैसे कि कोई भी अगर हम एक मेडिकल स्टोर का नाम देते हैं, मूल निवासी मेडिकल स्टोर, तो उससे क्या होगा कि जो मूल निवासी जो हमारे लोग हैं
वहां आएंगे और लेंगे तो उनका बिजनेस भी बढ़ेगा और उनके साथ ईमानदारी से पेश आना चाहिए, ये बात सही है। और उनको कुछ टाइम लगेगा और दूसरे लोग भी आएंगे, ऐसा नहीं कि वो लोग नहीं आएंगे, सभी लोग आएंगे, सभी वर्ग के लोग आएंगे, लेकिन जो डेडिकेशन होना चाहिए हमारे लोगों को कि चलिए, ऐसा होता है कि ये हमारा समाज का है, हमारा एक अंग ने खोला है तो इसको आगे बढ़ाना है, तो इसलिए कॉपरेटिव सोसाइटी और कॉपरेट करके एक दूसरे को आगे बढ़ाने से ही हमारा समाज आगे, ऐसा जी मेरा मानना। जी जी एमएनटी न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जनजागृति की मुहिम में जुड़े रहें।